और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे न्याय प्रदान करें, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु कि आप इस राज्य के, आप सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, आप इस राज्य के भगवान भी हैं, और मैं जानता हूँ कि एक भगवान से मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। मुरादाबाद में पूर्ति विभाग के दलित समुदाय से जुड़े एक इंस्पेक्टर ने अपने ही उच्च अधिकारी पर उत्पीड़न करने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के गंभीर आरोप लगाते हुए हड़कंप मचा दिया है। इंस्पेक्टर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रोते हुए न्याय की गुहार लगाई है और लिखित में शिकायती पत्र भी भेजा है। दरअसल मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कार्यालय में बतौर निरीक्षक पोस्टिंग संतोष कुमार ने अपने उच्च अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी से न्याय की गुहार लगाई है और ऐसी स्थिति में नौकरी से त्याग पत्र देने की बात भी कही है। दरअसल संतोष कुमार दलित समुदाय से आते हैं। उनका आरोप है कि इसी वजह से DSO अजय प्रताप सिंह उनसे घृणा करते हैं और लंबे समय से परेशान करके टारगेट कर रहे हैं, और 22 सितंबर को उन्हें DSO अजय प्रताप सिंह ने इस कदर अपमानित किया कि वो अपने घर पर वापस जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए और उसे मानसिक रूप से इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं और DSO ठाकुर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, और वो फोन पर और स्टाफ की मीटिंग के दौरान जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हैं। उन्हें कुछ ऐसी आपत्तिजनक माँ बहन की गालियां तक दी गईं जिसकी रिकॉर्डिंग भी उनके फोन में मौजूद है। अब उनके सामने नौकरी छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि झूठी शिकायतें लिखवा कर उसे नौकरी से निकलवाने की साजिश रची जा रही है। उसने DM मुरादाबाद और प्रदेश के मुखिया योगी जी से हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम संतोष कुमार है। क्या प्रॉब्लम है? मैं आपूर्ति विभाग में तैनात हूँ। मेरे जो जिला पूर्ति अधिकारी है श्री अजय प्रताप सिंह, इनके द्वारा मुझे लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं मानसिक रूप से और मतलब जातिगत और जन्मजातगत गालियाँ दी जाती हैं। कभी कभी तो इनके गालियों का स्तर इतना गिर जाता है कि मेरी आत्मा तक हिली। अभी हाल ही में 22 तारीख को इन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके जिन शब्दों का प्रयोग करते उन शब्दों ने मुझे तोड़ के रख दिया। इन्होंने मुझको बोला कि ये बता, अभी तू ये बता, आप ये बताइए, क्या कोई इंसान अपनी माँ की गाली सुन सकता है? मैं नहीं सुन पाऊँगा, ये नौकरी जाती है चली जाए, लेकिन मैं न्याय पाके रहूँगा। मुझे इस नौकरी से कोई मतलब नहीं है। मैंने ये नौकरी इसलिए नहीं पाई है कि मैं दूसरों की गालियाँ सुनूँ। मैं जनता की सेवा के लिए मैंने ये नौकरी चुनी थी, और अगर इस नौकरी के साथ अगर ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो हर स्तर पर गाली देकर और मतलब आपको याद दिलाते हैं कि आप किस समाज, किस दलित जाति से बिलोंग करते हैं, ये याद दिलाते हैं कि आपका कोई वजूद नहीं है, और जो इंसान मुझे मेरी माँ की गाली देके मुझे तोड़ रहा है अंदर तक, मैं खुद को कैसे खड़ा कर पाऊँगा? मैं उस दिन तो मेरे हाथ पर कांपने लगे, मुझे ये लगने लगा कि शायद अपनी नौकरी मैं ना कर पाऊँ, मैं बच्चों का चेहरा भी ना देख पाऊँ। मेरे सीने में इतना दर्द शुरू हो गया, मैं हाथ पर कांपने लगे। मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन करके बताया मैं आज आ नहीं पाऊँगा, आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं रात को उस दिन 12:15 बजे घर लौटा। घर इसलिए नहीं लौटा कि बस इसलिए घर लौटा कि उनको बच्चों को मेरा रोता हुआ चेहरा दिखाई ना दे। अगर मैं रात को जल्दी लौटा तो बच्चों के सामने मेरी आंखों से आंसू आते तो शायद मैं उन्हें ये बता नहीं पाता कि मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। और इन सब के पीछे जो एक व्यक्ति है वो है जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह। इनके द्वारा यहाँ पर सिर्फ लोगों को प्रताड़ित ही नहीं किया जाता है, इनके द्वारा अवैध वसूली भी की जाती है, और जो व्यक्ति इनके रास्ते में आता है उसको इस तरह प्रताड़ित करते हैं कि उसकी आत्मा तक को तोड़ के रख देते हैं ये। और साथ ही साथ इनके द्वारा उस व्यक्ति के मन में उसके आत्मविश्वास को भी तोड़ कर रख दिया जाता है ताकि वो दोबारा कभी उठ के खड़ा ना हो सके, क्योंकि इनकी पहुंच इतनी ज़्यादा है, हर स्तर पर इनके द्वारा हर व्यक्ति को अपनी पहुंच के बल पर दबा दिया जाता है, शिकायतों को भी दबा दिया जाता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे न्याय प्रदान करें, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु कि आप इस राज्य के, आप सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, आप इस राज्य के भगवान भी हैं, और मैं जानता हूँ कि भगवान से मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। धन्यवाद। आपने कहीं एप्लीकेशन दी, कुछ शिकायत किया? जी हाँ, मैंने जिला अधिकारी महोदय को शिकायत की थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिला अधिकारी महोदय बहुत ही ईमानदार और संवेदनशील व्यक्ति हैं। मैंने पहले उनको 24 तारीख को व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायती पत्र भेजा, और उसके बाद 25 तारीख को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्य मंत्री खाद्य रसद विभाग को, माननीय प्रमुख सचिव महोदय को मैंने पत्र भेजकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है, और शीघ्र ही यह पत्र उनके पास पहुंचेगा। और साथ ही मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भी मैंने पत्र भेजा है, क्योंकि कोई व्यक्ति सम्मान के साथ नौकरी करना चाहेगा, सम्मान झुका के या जमीन पर गिर के नौकरी नहीं कर सकता है। धन्यवाद।
और इन्होंने तो मेरे संग ऐसा व्यवहार किया कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब भी मैं सोचता हूँ, जब कि उनके शब्दों को याद करता हूँ कि अभी तू ये बता कि तू पैदा कहाँ से हुआ है, मुझे लगता है कि शायद मुझे नौकरी छोड़ देना चाहिए। बस मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे साथ न्याय करिए आप, क्योंकि इनके द्वारा जो मेरे साथ किया गया है, एक अगर ईमानदार व्यक्ति मुझको कुछ भी डांटे फटकारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक भ्रष्ट व्यक्ति, दूसरा जो भ्रष्ट व्यक्ति है अजय प्रताप सिंह, इनके द्वारा जिस प्रकार की गालियाँ यूज़ की जाती हैं, लगता है कि इनकी माँ ही नहीं है, सिर्फ माँ हमारी है, ये हमारी माँ कोई गाली दे सकते क्या है? अगर जो माँ मेरी मर चुकी है उसको लेके ये गाली देते हैं, तो क्या इन्होंने कभी अपनी माँ को गाली दी? नहीं दी होगी, नहीं दी होगी मैं जानता हूँ, क्योंकि इनके लिए तो सिर्फ जन्मजात गालियाँ और जातिगत गालियाँ सिर्फ उनके लिए बनी हैं जो इनसे कमज़ोर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाइए, क्योंकि मैं आपसे न्याय की उम्मीद करता हूँ। मुझे पता है कि आपने जनपद को, और जनपद को ही नहीं, इस प्रदेश के हर जनपद को, प्रदेश के पूरे हर जनपद को आपने सुधार के रखा है, और ऐसा कोई जनपद नहीं मैं जानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपसे अछूता हो। आप जहाँ चाहें वहाँ काम कर सकते हैं, आपकी जब वजह से आज हम सुरक्षित हैं। हम जानते हैं कि अगर हम रात को 12 बजे भी अपने बच्चों के साथ कहीं जाते हैं तो कोई व्यक्ति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सुरक्षा आपकी हमें मिली हुई है। आज भी मैं अपने बच्चों के साथ स्वयं को महसूस करता हूँ, सुरक्षित महसूस करता हूँ, लेकिन इस व्यक्ति की वजह से आज मैं मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ कि मैं सिर्फ न्याय की गुहार में आपसे लगा सकता हूँ। और मैं अपने ज़िले के माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ, मैं जानता हूँ महोदय आप बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप इस जिला पूर्ति अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। वहीं DSO अजय प्रताप सिंह ने बताया कि संतोष कुमार अपने कार्य के प्रति लापरवाही करते हैं, जिससे ठाकुर द्वारा क्षेत्र पिछड़ गया है। उनके द्वारा तो सिर्फ काम के लिए कहा गया था। आपके एक इंस्पेक्टर हैं ठाकुर द्वारा से, संतोष, उन्होंने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए, कुछ अमर्यादित भाषा में आपने यूज किया, उनको कुछ पाया, फिर वो खुद को SC का बता रहे कि सर फास्ट है, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनका हरेसमेंट हुआ आपकी साइड, उनका एलिगेशन है। इस संबंध में आपके चैनल के माध्यम से सादर अवगत कराना है कि हमारा विभाग गरीबों का विभाग है, और हमारे यहाँ कई बहुत थोड़ी योजनाएं जिससे लाखों गरीबों की जिंदगी का जुड़ा रहता है, उनके काम होते हैं, इसमें जैसे हमारा राशन वितरण है, राशन कार्ड बनना है पात्रों को, और अपात्रों का कार्ड हटाया जाना है, इसके अलावा समय समय पर जो सौंपे जाते कार्य है, तो इस समय एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रही है आयुष्मान भव, जिसमें 6 यूनिट से ज़्यादा के पात्र गृहस्थी कार्डों पर राशन कार्ड के जो लोग हैं उनको 5 लाख कवरेज से आयुष्मान योजना के अंतर्गत अच्छा किया जा रहा है। इस योजना 17 सितंबर से लागू की गई है, और इसमें हमारे जितने भी ब्लॉक तहसील हैं वहाँ पे कोटेदारों के माध्यम से उनको एक प्रशिक्षित किया गया, स्वास्थ्य विभाग कर ही रहा है, इसमें हमारे कोटेदार भी, चूँकि डेटा बेस हमारे विभाग में होता है, उनके माध्यम से हम लोगों ने आंकड़े निकाले दुकान पर, और ये कार्य कराया जा रहा है। विगत दिनों ऐसा हुआ कि जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं वो काफ़ी काम के प्रति लापरवाह हैं, और यही नहीं रहे हैं, पूर्व के जिलों में भी रहे हैं, कानपुर में भी कोविड जब चल रहा था, जब गरीब मर रहे थे, तो उस समय भी उन्होंने जो है कोई वहाँ काम नहीं किया था, तो उनके जो वहाँ पे तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय थे, उन्होंने उनके विरुद्ध सस्पेंशन के लिए लिखा था। यहाँ भी वो काम में काफ़ी लापरवाह थे, अभी विगत दिनों ही ग्राम प्रधान ने उनकी शिकायत करी कि 1 साल से घूमने के बावजूद भी उन्होंने अपात्रों का कार्ड नहीं काटा, जिसका लिख के उन्होंने दिया था, और पात्र लोगों को नहीं बनने दिया, गरीब लोगों को नहीं बनने दिया। इसके अलावा आयुष्मान योजना जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हो रहा है, 17 तारीख से काम शुरू कर रहे हैं, 21 तारीख को उनकी रिपोर्ट सबसे ख़राब थी जिले में, 22 को हमने कहा भी अपने ग्रुप पर लिखा कि सबसे ख़राब ठाकुर द्वारा है, जाएँ और जाके लोगों से संपर्क करके बनवाने में उनको सहयोग करें। 22 को भी उनकी प्रगति ख़राब थी, मैं जब पहुंचा रास्ते में मैंने सुबह भी बात किया था, ग्रुप में भी लिखा था मैसेज, इसके बावजूद उनके द्वारा कार्य में रुचि न ले जाकर अपने क्षेत्र से इतर ठाकुर द्वारा को इंस्पेक्टर हैं और वो दूसरे के ब्लॉक में जाकर जांच करने लगे, जो कि उनके जुरिडिक्शन उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, वहाँ जाके वो जाँच करने लगे। इस आधार पर मैंने बात की, थोड़ा मैंने उनको जो है फटकार लगाई, ताकि वो अपने ब्लॉक में जो उनका कार्य क्षेत्र है वहाँ जाके वो कार्य करें, ना कि दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करें, और पेशबंदी के बजाय अपना मूल काम जो है जहाँ पर करना है करें। इसमें कतई कहीं पर भी कोई नहीं रहा है, और जो कार्यालय में और भी लोग हैं, जो अन्य तमाम समुदायों के लोग हैं सरकारी तंत्र में, सबके साथ अच्छा व्यवहार होता है, जो कार्य के हिसाब से होता है,
जो अगर कार्य में लापरवाही करते हैं तो हम उनको प्रथम दृष्टया सोचते हैं कि अगर फटकार से उनके अंदर सुधार हो जाए कार्य में, तो हम उनको अपने फटकार से सुधार की तरफ ले जाते हैं। अगर वो फटकार से नहीं मानते हैं तो फिर जिलाधिकारी की मीटिंग में या अन्य कागजी कार्रवाइयों में करते हैं। तो चूंकि वो दूसरे के जाके जो डिक्शन में जांच कर रहे थे इस नाते, और अपने कार्य जहाँ पे सबसे न्यूनतम था वहाँ नहीं कार्य कर रहे थे, इस नाते उनको जो है कुछ फटकार की कोशिश की गई जिसके लिए खेद है, लेकिन इसका कतई जो है उन आरोपों से नहीं, पूर्व से भी उनका जो है आप चाहे तो उनका कॉल डिटेल निकाल लीजिए, वो तहसील में 2 बजे जाने 3 बजे जाने के आदि थे कार्य के प्रति, और गरीबों के इससे लाखों गरीब जो है अपने अधिकार से अपने चीज़ों से वंचित होते हैं, ऐसी दशा में कार्य हित में जो है फटकार लें। ऐसा कुछ नहीं है, आपको हम लिस्ट दिखा देंगे जो भी हुआ है। जिलाधिकारी महोदय ने उनके कार्य लापरवाही में यहाँ भी उनका स्पष्टीकरण तलब किया था, और उनका और MYC का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है दोनों का ठाकुर द्वारा का किया था। यहाँ अनुसूचित जाति के अन्य लोग भी हैं, और संयोग से जो हमारे छजलाइट के इंस्पेक्टर नरेंद्र पाल जी, आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट के हैं और उनका टॉप पे है काम। तो शेड्यूल कास्ट होने की वजह से नहीं हुआ, ये जो है उनके लापरवाही के कारण से था। तो जो शेड्यूल कास्ट के अन्य लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं अन्य लोगों से, वो आपको बताएंगे कि क्या है।